हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी घर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो हमारा एडमिशन था उसको कंप्लीट करा था, आज हम अपना कन्फेशन देखेंगे। ठीक है, कन्फेशन जो है सेक्शन 24-30 तक के हम इसमें जो है सेक्शंस को देखेंगे। बेसिकली कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन जो है किसी भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि किसी अक्यूज पर्सन के द्वारा जो है ऐसा दिया जा रहा है जिससे कि वो क्या हो जाए, कन्विक्शन उसे मिल जाए, वो प्रूव्ड हो जाए और कन्विक्शन जाए, तो वो चीज जो है कन्फेशन कहलाई जाती है। ठीक है, सभी कन्फेशंस एडमिशंस होते हैं, बट सभी एडमिशंस जो होते हैं वो कन्फेशन नहीं होते। ठीक, जैसे कि सेक्शन 24 देख लेते हैं। ये कहता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मतलब कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर कोई कन्फेशन कर रहा है अक्यूज्ड पर्सन और वो इंड्यूसमेंट के द्वारा या फिर थ्रेट के द्वारा और प्रॉमिस के द्वारा किया जा रहा है जिससे कि वो गेन कर सके क्या कोई ऐसा एडवांटेज या फिर कोई भी ऐसी इविल से वो क्या कर सके, बच सके किसमें, प्रोसीडिंग में जो कि उसके अगेंस्ट चल रही है, तो वो चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, कन्फेशन के अंतर्गत इररिलेवेंट आ जाएगी। ठीक है, वो रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी अगर इन तीनों चीजों के अंतर्गत मानी गई। कन्फेशन जो है पूरे इंडियन एविडेंस में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ज्यूरिस्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि सेक्शन 17 के अंतर्गत ही जो है एडमिशन की कैटेगरी में ही कन्फेशन को रखा जाता है। स्टीफन ने भी यही कहा, स्टीफन ने कहा कि कन्फेशन जो है एक एडमिशन है जो कि उस पर्सन के द्वारा बनाया जाता है जिसपे ऑफेंसेस के चार्जेस लगे हुए हैं और जो कि क्या करता है, शोज और सजेस्ट करता है कि उसने ही वो जो ऑफेंस है वो कमिटेड किया है। लेकिन प्रिवी काउंसिल जो है इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करती थी उस टाइम पीरियड में, लेकिन अब तो ये है ही नहीं चीज। इसमें जो केस है वो है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस था 1939 का, जिसमें हेल्ड किया गया है कि कन्फेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, मतलब जो ऑफेंस की चीजें हैं पूर्ण रूप से जो है ऑफेंस को क्या करना चाहिए, एडमिट करना चाहिए। ठीक है, और ये नहीं हो कि और जो वो एडमिट कर रहा है वो उस ऑफेंस के फैक्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा केस है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1952 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो स्टेटमेंट पलविंदर कोर्ट ने दिया है वो एडमिशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि पलविंदर कोर्ट का जो स्टेटमेंट था, तो पलविंदर कौर का जो एडमिशन दिया गया, एडमिशन जो दिया उसने, उसका आधा पार्ट तो उसको उसके अगेंस्ट लेके जा रहा था, लेकिन आधा पार्ट जो था उसके स्टेटमेंट का वो उसको क्या कर रहा था, बरी करने के उस पे था कि भाई उसने पोटेशियम साइनाइड का सेवन जो है अपने हस्बैंड को करा दिया था, लेकिन उसने कहा कि मैंने तो बस दवाई के पास रखा था, शायद उन्होंने ही गलती से उसको जो है खा लिया। तो इस चीज पे जो है उसने इसके स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन नहीं माना था। ठीक, फिर उसके बाद कन्फेशन के काइंड्स आ जाते हैं। दो तरीके के कन्फेशन होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब जो जुडिशियल कन्फेशन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एडमिशन दो तरीके के होते हैं, जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल, सेम वही है। जुडिशियल वो जो कोई कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग में किए जा रहे हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल वो जो बाहर किए जा रहे हैं। ठीक, तो वो चीज हमारी यहाँ पे आ जाती है। फिर पॉइंट आता है हमारा एक, रिट्रैक्टेड कन्फेशन किसे बोलते हैं। रिट्रैक्टेड कन्फेशन जो होता है उसको, उसका मीनिंग होता है कि कोई ऐसी बात जो आपने पुलिस के सामने तो कह दी या किसी भी पर्सन के सामने कह दी कि मैंने ये करा है, और आप जो हो कोर्ट में जाके उस बात से क्या हो जाते हैं, मुकर जाते हैं। ठीक है, गोइंग बैक फ्रॉम कन्फेशन, जो आपने कन्फेशन करा है उससे जो है मुकर जाना, तो वो हमारा रिट्रैक्टेड कन्फेशन आता है। ठीक, सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कहा गया, कोर्ट ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है वो साउंड पोटेंट एविडेंस होता है, लेकिन इसको प्रूव कराने के लिए आपको कॉरोबोरेशन में इंडिपेंडेंट एविडेंस के द्वारा इसको प्रूव करना पड़ेगा, और कोर्ट को सेटिस्फाई इस बात से होना चाहिए कि अगर वो कन्फेशन ऐसा लग रहा है ट्रू है, इंडिपेंडेंट है और वॉलेंटरी बनाया गया है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बताई गई। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 25, जो कि ये बात करता है नो कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। मतलब अगर कोई कन्फेशन हम पुलिस ऑफिसर के उपस्थिति में या उसके सामने हम कर रहे हैं कुछ कन्फेशन, तो वो जो है प्रूव्ड नहीं समझा जाएगा। ठीक, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को ये माना गया कि क्या कहते हैं, इस प्रिंसिपल, इस सेक्शन के पीछे जो प्रिंसिपल रहा वो ये रहा कि
ये बचाना चाहते थे कि जो फोर्सफुल जो कन्फेशन किया जाता है ना पुलिस के द्वारा, दबाव डाल के जो किया जाता है कि आप इसको मानो, इसको कबूल करो, इस चीज़ को आप कन्फेस करो, तो वो चीज़ यहाँ पे हटाई गई इस चीज़ से बचने के लिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन पुलिस ऑफिसर होगा। बेसिकली जो जनरल मीनिंग में है पुलिस ऑफिसर, आपको वो तो पता ही होगा कि जिसके पास क्या होती है, पावर होती है टू मेक इन्वेस्टिगेशन करने की, या फिर वो उसके पास पावर होती है कोई भी फाइल रिपोर्ट लेके आने की, कोई भी रिपोर्ट को फाइल करने की अगेंस्ट क्रिमिनल की, ठीक है। तो वो चीज़ हमारा यहाँ पे क्या होता है, पुलिस ऑफिसर होता है। पुलिस ऑफिसर के लिए यहाँ पे कुछ केसेस हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस परम सिवान का केस था 1953 का। इसमें कहा गया कि जो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, इससे ये इम्पॉर्टेंट थिंग नहीं है कि वो किस नाम से जाना जाता है या फिर वो किस तरीके की फंक्शंस वो अपने ड्यूटी जो है वो कर रहा है, ठीक। दूसरे केस में ये कहा गया कि जो हमारा राजकुमार करवाल कृपा मोहन का केस था, ये वाले चीज़ें जो हैं ये ऑफिसर्स में नहीं आएंगे, कस्टम ऑफिसर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, ऑफिसर जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंतर्गत आते हैं, वो ऑफिसर्स नहीं होंगे पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 26 जो है वो बहुत सिंपल बात करता है, वो कहता है कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। पहली चीज कर रहा है पुलिस के सामने, दूसरी चीज कर रहा है पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद अगर वो कोई कन्फेशन कर देता है तो वो जो है सेक्शन 26 के अंतर्गत आप प्रूव्ड नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि भाई अगर, हाँ एक चीज बताई, अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, अगर वो इमीडिएट प्रेजेंस, मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस के अंतर्गत करा जा रहा है तो वो चीज प्रूव्ड हो जाएगी। अब मजिस्ट्रेट में जो है हेड ऑफ विलेज इंक्लूड नहीं होगा, डजंट इंक्लूड द हेड ऑफ विलेज, ठीक। पुलिस कस्टडी क्या होती है, बेसिकली पुलिस कस्टडी होती है अगर कोई पर्सन, मतलब पुलिस की कस्टडी कैसे, एक तो दो तरीके की होती है, एक तो डायरेक्ट उसकी कस्टडी में, एक्चुअल कस्टडी में, और दूसरा होता है कोई कॉर्पोरियल कस्टडी, मींस उसका क्या है इफेक्ट है इस तरीके से, कंस्ट्रक्टिव उसकी क्या है कस्टडी में है, तो वो चीज आ जाएगी पुलिस कस्टडी। दूसरा जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल वही जो कोर्ट, भले ही वो पुलिस के सामने है, पुलिस की एग्जिस्टेंस में है, पुलिस उसको देख रेख कर रही है, लेकिन वो क्या है जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 27। सेक्शन 27 क्या बात करता है, वो कहता है कि बेसिकली सेक्शन 27 जो है 25 और सेक्शन 26 दोनों की का ही एक्सेप्शन है। 25 में हमने कहा कि पुलिस के सामने अगर कोई करेगा तो वो प्रूव्ड नहीं होगा, और 26 कहता है अगर वो जुडिशियल उसमें है, पुलिस कस्टडी में है, तब वो नहीं होगा प्रूव। लेकिन ये कहता है कि अगर कोई पर्सन, हाउ मच ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड, कि अगर कोई पर्सन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है अपने ऑफेंस के बारे में जो उसने करी, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को, और पुलिस ऑफिसर जो है वहां जाके उसके खिलाफ एविडेंस ढूंढने में क्या हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है, कामयाब हो जाती है उस एविडेंस को ढूंढने में, तो वो चीज क्या हो जाएगी यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगी, ठीक। जैसे कि यहाँ बताया गया है कोई इन्फॉर्मेशन हो, और इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, एक्यूज पर्सन दे रहा है, और वो अक्यूज पर्सन कस्टडी में है पुलिस ऑफिसर की, और वो जो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है और वो जो उसने इन्फॉर्मेशन दी वो डिस्कवर्ड हो रही है उसी इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे जो जो उसने दी, ठीक है, और वो जो चीज डिस्कवर की गई है वो ऑफेंस से रिलेटेड है, तब वो चीज क्या हो जाएगी, वो चीज यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगी। 28 यहाँ पे कहता है कि अगर कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस के द्वारा किया जा रहा है, मतलब कि कोई कन्फेशन है और उसमें क्या हो गया, इंड्यूसमेंट और थ्रेट और प्रॉमिस का हमने रिमूव कर दिया पूरी तरीके से, तो वो चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेक्शन 24 में ये कहा गया था कि अगर वो इनके बिहाफ पे इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस के उस पे की जा रही है तो वो इररेलीवेंट चीज है, लेकिन 28 ये कहता है, 28 जो है सेक्शन 24 का एक्सेप्शन है, क्योंकि वो कहता है कि अगर इसको हटा दिया जाए तो वो चीज क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है इसमें एक केस है अब्दुल रजाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 1970 सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 28 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक। दूसरी चीज क्या आती है, सेक्शन 29 आती है जो कि बात करती है कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम इररेलीवेंट, मतलब कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट है, किन चीजों पे वो रेलिवेंट
अगर कोई चीजें ये जो हमने बताई अभी इसमें आएंगी, वो इसमें जो है क्या नहीं होगा, इररिलेवेंट नहीं बनेगा, बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी. किन किन बिहाफ पे एसेंशियल इसके देख लेते हैं. प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन हिम, या व्हेन ही वाज ड्रंक, इन आंसर टू अ क्वेश्चन, और लैक ऑफ वार्निंग. इन चीजों की बिहाफ पे उसको हम क्या नहीं कर सकते, इररिलेवेंट नहीं कह सकते. तो सेक्शन 29 जो है कब अप्लाई होगा, जब सेक्शन 26, 28 एंड 29 इन तीनों की जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करेगा. एंड जो सीआरपीसी की सेक्शन 164 क्लॉज 3 है उसकी फॉर्मेलिटीज को पूरी करेगा, ठीक, तो तब वो चीज़ क्या जाएगी, वो रेलिवेंट ही बनी रहेगी. सेक्शन 30 जो है वो ये कहता है कि बेसिकली 30 ये लास्ट है इस वीडियो का सेक्शन, जो कि कहता है कन्फेशन ऑफ को अक्यूज, ठीक है. को अक्यूज का अगर कन्फेशन किया जा रहा है तो वो किस तरीके से होगा. कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर ज्वाइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस, मतलब दो पर्सन है और वो सेम ऑफेंस के लिए ज्वाइंटली ट्रायल किए जा रहे हैं. तो वो चीज वहां पे जो है, अगर एक पर्सन उनमें से ये कहता है कि मैंने मर्डर करा है, तो दूसरा पर्सन को ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन का भी कन्विक्शन हो जाएगा, ठीक है. एक्सप्लेनेशन में यही बात की गई कि जो ऑफेंस है यहाँ पे वो क्या इंक्लूड है, उसमें अबेटमेंट भी है, अटेम्प्ट टू कमिट भी है, और ऑफेंस, ये सारी चीजें भी ऑफेंस के अंतर्गत इंक्लूड होंगी इस सेक्शन में. अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. जैसे ए सेक्शन में ये जो इलस्ट्रेशन है उसमें कहा गया कि ए और बी जो थे ज्वाइंटली ट्रायल हो रहे चल रहा था उनका मर्डर के लिए, कि सी का उन्होंने मर्डर करा. अब ये प्रूफ हो जाता है कि ए ने ये कहा है कि बी और मे ने, यानी कि ए ने, दोनों ने मिलके जो है सी का मर्डर करा है, तो यहाँ पे कोर्ट जो है इसको कंसीडर कर सकती है एज अ कन्फेशन अगेंस्ट बी, ठीक है, यानी कि बी के अगेंस्ट भी हो जाएगा. दूसरी चीज यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है बी, वो ये कहता है कि ए जो है वो ट्रायल किया जा रहा है उसका सी के मर्डर के लिए, ठीक है, और एविडेंस ये शो करते हैं कि जो सी का मर्डर है वो ए और बी के द्वारा किया गया है, तो बी भी स्वीकार कर लेता है कि ए ने और मैंने जो है मर्डर करा है सी का. लेकिन कोर्ट इसको नहीं मान सकती, क्यों, क्योंकि वो ज्वाइंटली ट्रायल नहीं किए जा रहे थे, ठीक है. अगर वो ज्वाइंटली ट्रायल होंगे, ज्वाइंटली अगर ट्राइड किए जाएंगे, ट्रायल होगा उनका, तो वो जो है कन्विक्शन उनको करा जा सकता है, वो जो कन्फेशन उनके द्वारा किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा. अगर इसके हम डिफरेंस के बारे में बात करें, डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंतर्गत, एडमिशन और कन्फेशन के, ठीक है, तो एडमिशन जो है एक अक्नॉलेजमेंट है किसी भी फैक्ट, किसी भी ऐसे पर्टिकुलर फैक्ट के ट्रूथ के बारे में या उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है, जो किसी भी पर्सन के द्वारा करा जा सकता है, ठीक है, बाय एनी पर्सन, मेकिंग बाय एनी पर्सन, तो वो एडमिशन हो जाएगा. कन्फेशन वो है कि जो अक्यूज पर्सन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, अक्यूज्ड पर्सन उस चीज का स्टेटमेंट दे रहा है कि मैंने ये ऑफेंस जो है कमिट करा है, वो कन्फेशन हो जाएगा. और एडमिशन का ही एक पार्ट होता है कन्फेशन, मींस अगर एडमिशन जीनस है तो कन्फेशन क्या है, उसकी एक स्पीशीज है, ठीक. और एडमिशन की जो प्रोसीडिंग होती है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में होती है, ठीक, लेकिन प्रोसीडिंग जो उसमें होती है, कन्फेशन में होती है, वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होती है, ठीक. और भी इसमें बहुत सारे ऐसे डिफरेंस हैं जिनके उसमें किया जा सकता है, लेकिन एडमिशन का ये है कि एडमिशन जो है ना रिट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसमें रिट्रैक्शन का कोई बात नहीं है, लेकिन कन्फेशन में रिट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल है. तो गाइज ये हमारी वीडियो हो जाती है आज की कंप्लीट. तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज अभी तक फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से उसको जाके फॉलो कीजिए. थैंक यू, बाय बाय.